अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के कुछ हिस्सों में आज सुबह रॉकेट दागे गए। पुलिस ने बताया कि रॉकेट काबुल के खिरकाना इलाके से दागे गए थे। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय ने कहा कि काबुल के पूर्व में ख्वाजा रावत क्षेत्र में आवासीय मकानों के पास जो रॉकेट दागे गए उनमें एक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने बताया कि काबुल में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और ख्वाजा रावत क्षेत्र के पास कम से कम 4 रॉकेट दागे गए, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि रॉकेट की संख्या 6 से अधिक थी। बता दें कि एक महीने में शहर में ये दूसरा रॉकेट हमला है। बता दें कि इससे पहले भी कई आतंकी संगठन यहाँ पर रॉकेट से हमला कर चुके हैं, जिसके चलते कई लोग की जान भी जा चुकी है। इससे पहले 21 नवंबर को काबुल में कई बम धमाके के साथ रॉकेट से हमला किया गया था। इस दौरान कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। दावा किया गया था कि बम धमाके में एक शख्स की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इंडियन प्राइम न्यूज़ से ब्यूरो रिपोर्ट।